मूल बांधी सर गगन समाना, सुखमन यों तन लागी। ये जो महासुख की घटना घटती, योगी कैसे उसे घटाता है, वो अपने भीतर क्या करता है, वो किस भांति अपने को आकाश में डुबा देता है। मूल बांधी सर गगन समाना, ये उसकी प्रक्रिया है। जीवन ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन साधारणता तुम्हारी जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, इसलिए तुम्हारी सब जीवन ऊर्जा अंततः काम वासना बन जाती है। काम वासना तुम्हारा निम्नतम चक्र है, तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिर रही है और सारी ऊर्जा धीरे धीरे काम केंद्र पर इकट्ठी हो जाती है, इसलिए तुम्हारी सारी शक्ति काम वासना बन जाती है। जितने तुम शक्तिशाली होगे उतनी प्रगाढ़ काम वासना तुम में पैदा होगी, इसलिए तो साधु डर जाते हैं, तो भोजन कम करते हैं, क्योंकि न भोजन लेंगे न शक्ति पैदा होगी, न शक्ति पैदा होगी न काम वासना उठेगी। साधु अपने को सुखाने में लग जाते हैं, साधु धीरे धीरे ऐसी कोशिश करते हैं कि इतना ही भोजन लें जितने से रोज दैनिक शरीर का काम चल जाए, ऊर्जा बचे ना। मगर ये कोई साधुता हुई? ये तो नपुंसकता हुई, ये कोई साधना हुई? शक्ति न बचे तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ, क्या मूल है? कोई सार्थकता नहीं। निर्बल के ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? लाखों लोग निर्बलता को ब्रह्मचर्य समझ लेते, रुग्णता को स्वास्थ्य समझ लेते, शरीर को गला लेते हैं, ऊर्जा पैदा नहीं होती, इसलिए काम केंद्र सूख जाता है, तो वो सोचते हैं कि हम सिद्धावस्था को उपलब्ध हो गए। उन्हें ठीक से भोजन दो, एक सप्ताह के भीतर उनकी काम ऊर्जा फिर प्रवाहित होने लगेगी, फिर वासना जगने लगेगी। ये कोई छुटकारा ना हुआ, ये तो धोखा हुआ, ये आत्म प्रवंचना है। कबीर जैसे ज्ञानी ऐसी साधुता को दो कौड़ी का भी नहीं मानते। साधुता का अर्थ ऊर्जा को समाप्त करना नहीं है, ऊर्जा को रूपांतरित करना है। ऊर्जा को नष्ट करना, सुखाना नहीं है, ऊर्जा की दिशा बदलनी। वो जो नीचे की तरफ बहती है वो ऊपर की तरफ बहने लगे, अधोगामी शक्ति ऊर्ध्व गमन की तरफ निकल जाए। जो अभी जमीन की तरफ बहती है वो आकाश की तरफ उठने लगे, जो अभी पानी की तरह है वो अग्नि की तरह हो जाए। पानी नीचे की तरफ बहता है, अग्नि सदा ऊपर की तरफ जाती है। जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा आग्नेय हो जाएगी, उसी दिन एक अनूठे ब्रह्मचर्य का जन्म होगा, जो निर्बलता से नहीं पर परम वीरी से पैदा होती है। मूल बांधी, वो जो मूलाधार चक्र है जहां से ऊर्जा काम ऊर्जा बनती है, उसे बांध लेना है, उसे सिकोड़ लेना है। इसलिए योग ने, पतंजलि ने, हठ योग ने बहुत सी प्रक्रियाएं खोजी हैं मूल को बांधने की। मूल जब बंध जाए तो ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगते, क्योंकि नीचे का द्वार बंद हो जाता, द्वार अवरुद्ध हो जाता। एक छोटा सा प्रयोग, जब भी तुम्हारे मन में काम वासना उठे तो करो, तो धीरे धीरे तुम्हें राह साफ हो जाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि काम वासना मन को पकड़ रही है, तब डरो मत, शांत होकर बैठ जाओ, जोर से श्वास को बाहर फेंको, उच्छ्वास, भीतर मत लो श्वास को, क्योंकि जैसा ही तुम भीतर गहरी श्वास को लोगे, भीतर जाती श्वास काम ऊर्जा को नीचे की तरफ धकाती है। जब तुम्हें काम वासना पकड़े तब एक्सहेल करो, बाहर फेंको श्वास को, नाभि को भीतर खींचो, पेट को भीतर लो और श्वास को बाहर फेंको, जितनी फेंक सको। धीरे धीरे अभ्यास होने पर तुम संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर फेंकने में सफल हो जाओगे। जब सारी श्वास बाहर फेंक जाती है तो तुम्हारा पेट और नाभि वैक्यूम हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, और जहां कहीं शून्य हो जाता है
वहीं आसपास की ऊर्जा शून्य की तरफ प्रवाहित होने लगती है। शून्य खींचता है क्योंकि प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं करती, शून्य को भरती है। तुम नदी में पानी भर लेते हो घड़े में, तुमने घड़ा भर के उठाया नहीं कि गड्ढा हो जाता है पानी में घड़े से। तुमने पानी भर लिया उतना गड्ढा हो गया, चारों तरफ से पानी दौड़ के उस गड्ढे को भर देता है। तुम्हारी नाभि के पास शून्य हो जाए तो मूलाधार से ऊर्जा तत्क्षण नाभि की तरफ उठ जाती और तुम्हें बड़ा रस मिलेगा। जब तुम पहली दफा अनुभव करोगे कि एक गहन ऊर्जा बाण की तरह आके नाभि में उठ गई, तुम पाओगे सारा तन मन एक गहन स्वास्थ्य से भर गया, एक ताजगी। ये ताजगी वैसी ही होगी, ठीक वैसा ही अनुभव तुम्हें होगा ताजगी का जैसा संभोग के बाद उदासी का होता है, जिससे ऊर्जा के स्खलन के बाद एक शिथिलता पकड़ लेती है, एक रुग्ण दशा, एक विषाद, एक हारापन, एक थकान। तुम सो जाना चाहते हो। बहुत से लोग संभोग का उपयोग केवल नींद के लिए ही करते क्योंकि थक जाते। पश्चिम में डॉक्टर तो लोगों को सलाह देते हैं जिनको नींद नहीं आती कि संभोग उनके लिए उचित है। संभोग कर लोगे थक जाओगे, टूट जाओगे, नींद अपने आप आ जाएगी, लेकिन वो नींद कोई स्वस्थ नींद नहीं, वो थकान की नींद है, वो विश्राम नहीं है, थकान है। थकान और विश्राम में बड़ा फर्क है। विश्राम में ऊर्जा पूरी आराम करती, थकान में ऊर्जा नहीं होती, हारे थके टूटे हुए तुम पड़ जाते हो। संभोग के बाद जैसे विषाद का अनुभव होगा, वैसे ही अगर ऊर्जा नाभि की तरफ उठ जाए तो तुम्हें हर्ष का अनुभव होगा, एक प्रफुल्लता घेर लेगी। ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हुआ, तुम ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सौमनस्यपूर्ण, ज्यादा उत्फुल्ल, सक्रिय, अनथके, विश्रामपूर्ण मालूम पड़ोगे, जैसे गहरी नींद के बाद उठे हो, ताजगी आ गई है। जो लोग भी मूल आधार से शक्ति को सक्रिय कर लेते हैं उनकी नींद कम हो जाती, जरूरत नहीं रह जाती, वे थोड़े घंटे सो के भी उतने ही ताजे हो जाते, फिर तो दो घंटे भी सो के उतने ही ताजे हो जाते, जितने ताजे तुम आठ घंटे सो के नहीं हो पाते, क्योंकि तुम्हारे शरीर को तो ऊर्जा को पैदा करना पड़ता है, निर्मित करना पड़ता है, भरना पड़ता है, और बड़ा पागलपन है, रोज शरीर भरता है, रोज तुम उसे उलीचते हो। यूं ही उम्र तमाम होती है, रोज भोजन लो, शरीर को ऊर्जा से भरो, फिर उसे उलीचो और फेंक दो। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन बड़ा अनूठा अनुभव है, और पहला अनुभव होता है मूलाधार से नाभि की तरफ जब संक्रमण होता है। ये मूल बंध की सहजतम प्रक्रिया है कि तुम श्वास को बाहर फेंक दो, नाभि शून्य हो जाएगी, ऊर्जा उठेगी नाभि की तरफ, मूल बंध का द्वार अपने आप बंद हो जाएगा। वो द्वार खुलता है ऊर्जा के धक्के से, जब ऊर्जा मूलाधार में नहीं रह जाती, धक्का नहीं पड़ता, द्वार बंद हो जाता। मूल बांधी सर गगन समाना, बस तुमने अगर एक बात सीख ली कि ऊर्जा कैसे नाभि तक आ जाए, शेष तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम ऊर्जा को जब भी काम वासना उठे नाभि में इकट्ठा करते जाओ, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी नाभि में अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगेगी, जैसे बर्तन में पानी बढ़ता जाए तो पानी की सतह ऊपर उठती जाए। असली बात मूलाधार का बंद हो जाना है, घड़े की नीचे का छेद बंद हो गया, अब ऊर्जा इकट्ठी होती जाएगी, घड़ा अपने आप भरता जाएगा। एक दिन तुम अचानक पाओगे कि धीरे धीरे नाभि के ऊपर ऊर्जा आ रही, तुम्हारा हृदय एक नई संवेदना से आप्लावित हुआ जा रहा है। तुम कहते हो कि तुम प्रेम करते हो, लेकिन तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे हृदय में ऊर्जा नहीं है। तुम लाख कहो कि तुम प्रेम करते हो, तुम प्रेम कर नहीं सकते क्योंकि प्रेम तभी घटता है जब हृदय चक्र में ऊर्जा आती, उसके पहले घटता नहीं। तो तुम समझाते रहो अपने को कि तुम प्रेम करते हो, लेकिन तुमने किसी को प्रेम नहीं किया, ना अपनी पत्नी को, ना अपने बेटे को, ज्यादा से ज्यादा तुम अपने को प्रेम करते हो, बाकी तुम किसी को प्रेम नहीं करते, और वो भी बहुत कमजोर है, वो भी कोई बड़ा गहरा नहीं है।
जिस दिन हृदय चक्र पर आएगी तुम्हारी ऊर्जा, तुम पाओगे भर गए तुम प्रेम से। तुम जहां भी उठोगे बैठोगे तुम्हारे चारों तरफ एक हवा बहने लगेगी प्रेम की। दूसरे लोग भी अनुभव करेंगे कि तुम में कुछ बदल गया, तुम अब वही नहीं हो, तुम कोई और ही तरंग लेके आते हो, तुम्हारे साथ कुछ और ही लहर आती कि उदास प्रसन्न हो जाता है, कि दुखी थोड़ी देर को दुख को भूल जाता है, कि अशांत शांत हो जाता है, कि तुम जहां छू देते हो जिसे छू देते हो उस पर ही एक छोटी सी वर्षा प्रेम की हो जाती। लेकिन हृदय में ऊर्जा आएगी तभी यह होगा। ऊर्जा जब बढ़ेगी हृदय से कंठ में आएगी तब तुम्हारी वाणी में एक माधुरी आ जाएगा, जब तुम्हारी वाणी में एक संगीत एक सौंदर्य आ जाएगा। तुम साधारण से शब्द बोलोगे और उन शब्दों में काव्य होगा। तुम दो शब्द किसी से कह दोगे और तुम उसे तृप्त कर दोगे। तुम चुप भी रहोगे तो तुम्हारे मौन में भी संदेश छिप जाएंगे। तुम ना भी बोलोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बोलेगा। ऊर्जा कंठ पर आ गई। उपनिषद के गीत तभी तो फूटे होंगे जब ऊर्जा कंठ पर आ गई होगी। बुद्ध के वचन तभी तो निश्रित हुए होंगे जब ऊर्जा कंठ पर आ गई होगी। कुरान के वचन साधारण वचन है, लेकिन जब मोहम्मद ने उन्हें कहा था तब उन वचनों में कुछ बात ही और थी, तब वे किसी और ही लोक से आते थे। तुम भी उनको दोहरा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा जहां होगी उन शब्दों में वही गुणधर्म प्रविष्ट हो जाएगा। अगर काम वासना से भरा हुआ आदमी कुरान को कितने ही तरन्नुम से गाए तो भी वो कव्वाली ही होगी, वो कुरान हो नहीं सकता, क्योंकि कुरान का संबंध शब्दों से थोड़ी है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा से है। और अगर मोहम्मद कव्वाली भी गाए तो वो कुरान हो जाएगा, उन शब्दों में भी नए भाव आविर्भूत हो जाएंगे, नई कौंपलें लग जाएंगी, नए फूल लग जाएंगे। कृष्ण ने गीता कही, वो कंठ से आई ऊर्जा का की अभिव्यक्ति है, अभिव्यंजना है। कितने लोग गीता को कंठस्थ किए और कितने लोग रोज उसका पाठ करते रहते, कितने हजारों पाठ कर चुके, लेकिन अगर काम ऊर्जा मूलाधार से गिर रही है तो गीता तुम गाते रहो, वो गीता तुम्हारी ही होगी, भगवत गीता नहीं हो सकती। भगवत गीता होने के लिए तो चेतना का भागवत हो जाना जरूरी है। ऊर्जा ऊपर उठती जाती, एक घड़ी आती है कि तुम्हारे तीसरे नेत्र पर ऊर्जा का आविर्भाव होता है, तब तुम्हें पहली दफा दिखाई पड़ना शुरू होता है। तुम अंधे नहीं होते, उसके पहले तुम अंधे हो, क्योंकि उसके पहले तुम्हें सिर्फ आकार दिखाई पड़ते हैं, निराकार नहीं दिखाई पड़ता, और वही असली में है। सब आकारों में छिपा है निराकार। आकार तो मूलाधार में बंधी हुई ऊर्जा के कारण दिखाई पड़ते, अन्यथा कोई आकार नहीं। तुम कहां समाप्त होते हो, कहां तुम्हारी सीमा है, कहां तुम शुरू होते हो। न कोई कहीं शुरू होता है, न कोई कहीं समाप्त होता है, सारा जगत संयुक्त है। तुम झाड़ों से जुड़े हो, पहाड़ों से जुड़े हो, चांद तारों से जुड़े हो। छोटा सा मकड़ी का जाला हिलाओ और अनंत आकाश के तारे भी कप जाते हैं, क्योंकि सारा अस्तित्व एक है। इसमें दो तो है नहीं कहीं, लेकिन तुम्हें अनेक दिखाई पड़ता है। अंधे हो, मूलाधार अंधा चक्र है, इसलिए तो हम काम वासना को अंधी कहते। वो अंधी है, उसके पास आंख बिल्कुल नहीं है। आंख तो खुलती है तुम्हारी असली आंख जब तीसरे नेत्र पर ऊर्जा आके प्रकट होती है, जब लहरें तीसरे नेत्र को छूने लगती, तीसरे नेत्र के किनारे पर जब तुम्हारी ऊर्जा की लहरें आके टकराने लगती, पहली दफा तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता जगती। इसलिए हमने इस देश में विचार की प्रक्रिया को फिलोसफी नहीं कहा, हमने विचार की प्रक्रिया को दर्शन कहा। फिलोसफी पश्चिम में दर्शन शास्त्र का नाम है,
हमने वो नाम पसंद ना किया, क्योंकि फिलोसफी तो पैदा हो जाती है मूलाधार में ऊर्जा हो तब भी, लेकिन दर्शन पैदा नहीं होता। और मूलाधार में भटके हुए अंधे कितना ही सोचे, उनके सोचने का क्या मूल्य हो सकता है, वो सोच के भी क्या सोच पाएंगे। अंधा कितना ही प्रकाश के संबंध में विचार करे, सिर पटके गणित बिठाए, विश्लेषण करे, मीमांसा में उतरे, क्या क्या हल होगा। अंधा जो भी कहेगा प्रकाश के संबंध में गलत होगा। अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता, प्रकाश तो बहुत दूर की बात है। तुम शायद सोचते होगे कि अंधे को अंधेरा दिखाई पड़ता है, तो तुम गलती में हो। अंधेरा देखने के लिए भी आंख चाहिए, अंधेरा भी आंख का ही अनुभव है। तुम आंख बंद करते हो तुमको अंधेरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि आंख खोल के तुमको प्रकाश का अनुभव है। अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ सकता, अंधेरा और प्रकाश तो आंख के अनुभव है। तो अंधे सोच सकते हैं, बड़े दर्शन शास्त्र खड़े कर सकते हैं। अरिस्टोटल, कांट, हीगल, बर्ट्रंड रसल, पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक भी दार्शनिक नहीं है। दर्शन एक अनूठी प्रक्रिया है जिसका संबंध विचार से नहीं, ऊर्जा से। कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर, शंकर, नागार्जुन दार्शनिक हैं, विचारक नहीं है। क्योंकि दार्शनिक होने का अर्थ है जिसकी ऊर्जा की लहरें तृतीय नेत्र के तट से टकराने लगी। अब इसको दिखाई पड़ता है, ये कोई सिद्धांत नहीं बनाता है, इससे जो दिखाई पड़ता है उसे सिद्धांत में बांधता है। ये टटोलता नहीं अंधेरे में, इसे जो दिखाई पड़ता है उसे शब्दों में उतारता है, ताकि अंधों तक शब्द पहुंचाया जा सके।